आइए पहाड़ों में उगने वाले विभिन्न पेड़ पौधों से आपका परिचय करवाते हैं। तो ये जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है तुन का पेड़ और इसकी लकड़ियां तैयार की जाती है मकान को बनाने के लिए। ये तुन का पेड़ है, देवदार के बाद तुन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये भी पहाड़ों में उगने वाला एक पेड़ है, यहाँ पर छोटा है और पास में आप देख सकते हैं ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, विशाल का है, ये इतना बड़ा है जिसमें पत्ते नहीं है। तो यही एक पेड़ है, अभी इसका नाम आपको बता देते हैं। अरे इसमें से तो दूध निकल रहा है भाई, ये कैसा पेड़ है, ये देखिए दूध दूध भी निकल रहा है, गाढ़ा गाढ़ा दूध है ये। अब तो आपको गाय पालने की भी ज़रूरत नहीं है, इस पेड़ को ही पाल दो। ये देखिएगा दूध से भरा हुआ ये पेड़ मेरी उंगली में भी लग गया है। तो इस तरह के पेड़ भी हमारे पहाड़ों में पाए जाते हैं और ये छेन का पेड़ है, छेन बोलते हैं इसको। ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये बासा का पौधा है, वासा का आप जानते हो, ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है। वासा के पत्र यूज किए जाते हैं और ये नीचे तो कड़ी पत्ता है, आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, झाड़ियों के बीच में है, तो कड़ी पत्ते का भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। इसकी मैं वीडियो अलग से बना के दूंगा आप लोगों को कि कड़ी पत्ता किस किस काम आता है, इसको भी बता ही देते हैं। ये तो घास है, घास काट काट के हमने इस तरीके से तैयार करके रखा हुआ है और सामने भी है। तो जैसे नीचे भी देख रहे हैं, ये भी छेन का पेड़ है और हमारे पहाड़ों में उगता है। और दरअसल बता दूं, ये किसी काम का नहीं होता है, ना तो इसकी लकड़ी होती है और ना ही इसको पशु वगैरह खाते हैं। और ये सामने देखिएगा आप, ये है कक्कड़ सिंगी का पेड़, ये कक्कड़ सिंगी है जिसमें हरे हरे से पत्ते और घने घने पत्ते दिख रहे हैं, ये है कक्कड़ सिंगी का पेड़। और कक्कड़ सिंगी का आपको पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है, जो इसमें लंबी लंबी लगती है ना सींग, जैसे गाय के बैल के पशु के जो सींग होते हैं ना, उसके आकार के इसमें फल लगते हैं और वो फल काफ़ी किफ़ायती होते हैं और बहुत महंगा वो बिकता है कक्कड़ सिंगी। और ये सर्दियों में ज़्यादातर कक्कड़ सिंगी का इस्तेमाल किया जाता है सर्दी जुकाम और खांसी के लिए। और कक्कड़ सिंगी का अक्सर प्रयोग किया जाता है जब चमनप्रास बनाते हैं ना, चमनप्रास में भी कक्कड़ सिंगी को डाला जाता है, दूसरे जो कंटेंट इसमें डलते हैं उसके साथ। कक्कड़ सिंगी भी एक बहुत ही महत्व औषधि होती है जो कि हमारे चमनप्रास जो बनाते हैं उसमें डलता है। तो ये होता है वो कक्कड़ सिंगी का पेड़ जिसमें कक्कड़ सिंगियाँ लगती है।